अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त जो है खैरियत से होंगे। खुदा आप दोस्तों को सलामत रखे। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है शौक़ दिखा रहे हैं दोस्तों को, और बछड़े जो तैयारी कर रहे हैं कुर्बानी 2024 के लिए, तो वो दिखा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बछड़े चारा खा रहे हैं भाई। ये देखें चारे के अंदर जो है हमने तूड़ी मिला कर दी है, तूड़ी के अंदर जो है खली वगैरह दिए और सूखी रोटी वगैरह जो है मिला कर दिए ताकि ये पानी बिल्कुल बन जाए। तो ये देखें पानी बना हुआ है, ये बेचारा खा रहे हैं। इंशाल्लाह ये आस्ते आस्ते अपने दोस्तों को अपडेट देते रहेंगे और इनकी ग्रोथ भी चेक करवाएंगे इंशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं भाई बछड़े की ग्रोथ चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। पहले के नस्बत काफ़ी बेहतरी आ रही है बछड़ों में, और अभी तो है तकरीबन 2-2.5 महीने हैं, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी बछड़ों में। दोस्तों हम लोग बछड़ों को यही दे रहे हैं जो अभी सामने हैं, इसमें ना कुछ ऐसा है कि हम बोलेंगे यार आलू खिलाओ, ये खिलाओ, वो खिलाओ, बादाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सादे तरीके से बेहतरीन ये देखें खुराक खा रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें चूड़ी वगैरह मिली हुई लेकिन है बिल्कुल गीली, पानी के साथ गीला किया हुआ है, जिसके ऊपर जो है खली वगैरह डाली थी और सूखी रोटी का जो है मिक्सर बनाया हुआ था सूखी रोटी से, वो डाला है पानी वाला। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बछड़े बेहतरीन ग्रोथ आ रही है। देख सकते हैं माशाल्लाह, दोस्तों से यही गुजारिश करेंगे कि छोटे से छोटा कारोबार करो, ऐसा कारोबार करो जो मतलब जिसको आप लोग संभाल सको। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि यार कैसे करें, स्टार्ट करें, तो भाई छोटा सा फ्लाग डालो जिसमें से 8-10 दाने हो, जिससे आप लोग जो है मतलब तजर्बा भी मिल जाएगा और दूसरी बात यह है कि शौक़ भी पूरा हो जाएगा। तो ये माशाल्लाह इस तरीके से तकरीबन 4 से 5 महीने पहले लाओ, रमज़ान में लेकर आ जाओ और उसके बाद जो है खुराक इसकी स्टार्ट करो बछड़ों की। खुराक में भी सिंपल है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा है। बहरहाल हमने जो डाला है आप दोस्तों के सामने भाई ये देखें तूड़ी है, सही है, तूड़ी को भी बिल्कुल गीला किया हुआ है और उसके ऊपर जो है खली डाली है जिसे हम खड़ कहते हैं, और उसके बाद जो है सूखी रोटी वगैरह वो डाली हुई है। सूखी रोटी ऐसे नहीं, सूखी रोटी पानी में डाली हुई थी, बिल्कुल पानी में जो है ना मिक्स कर दी थी। तो ये देखें ये पीस बन गए थे, तो ये इसके ऊपर जो तूड़ी के ऊपर डाला है तो अब ये पूरे को पूरे तूड़ी को चाट के खा जाएंगे, जो पानी है वो भी पीते रहेंगे साथ साथ, और इसको जो बिल्कुल सफाया कर देंगे। तो ये जानवर को जो है ना बेहतरीन चारा लगता है। तो माशाल्लाह ग्रोथ आप दोस्तों के सामने, 1 महीना पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं, और अब के भी जानवरों में माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी ग्रोथ है। और दूसरी बात, अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो गर्मी के हवाले से ये कि इनको चारा वगैरह खिलाते हैं और फिर दोपहर को 11-12 बजे जो है ना 12 बजे 1 बजे के करीब जो है ना इनको हम नहलाते हैं जानवरों को, ताकि जानवर साफ रहें, ठंडे रहें, बेहतरीन हो जाते हैं ये। तो माशाल्लाह देख सकते हैं ग्रोथ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह जानवरों के अंदर, ये कुर्बानी के लिए तैयार हो रहे हैं जानवर, बेहतरीन जानवर है माशाल्लाह। कुर्बानी 2024 के लिए जो बछड़े तैयार करें ये वो हैं भाई। जब पहले दिन आए थे, पहली मेरी वीडियो थी, तो उसमें तो खैर भाई इनके तो वो क्या कहते हैं हड्डियाँ निकली हुई थी। तो अभी देख सकते हैं ग्रोथ, मैंने कहा था ना वक्तन वक्त अपडेट दूंगा, तो भाई अब पूरा रमज़ान में नहीं आया, तो रमज़ान के बाद में आया तो मैंने दिखा दूँ, अब रमज़ान से जैसे ही ईद करी तो अब देखें माशाल्लाह ग्रोथ चेक करें बछड़ों की। भाई जितनी मेहनत करोगे उतना सिला मिलेगा आप दोस्तों को। दोस्त कहते हैं कि यार कैसे करें क्या है, भाई 1-2 जानवर से स्टार्ट करो तो इंशाल्लाह आप दोस्त जो है बढ़ जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी और मज़ा आना शुरू हो जाएगा आप लोगों को। पहले 1-2 जानवर रखो, उनकी खिलाई पिलाई करो 2-3 महीने के लिए, उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता फिर शेड बढ़ाओ अपना, जानवर जो है तादाद बढ़ाते जाओगे उतना ही बेहतरीन मज़ा आएगा आप दोस्तों को। आजकल वैसे भी मार्केट जो है तेज़ चल रही है जानवरों के हिसाब से, अभी तो खैर खरीदारी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी जो है ना व्यापारियों ने मुंह खोले हुए हैं भाई। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो भाई रमज़ान से पहले ही लाके खड़े कर दिए थे, रमज़ान से 1-2 दिन पहले जो हम लोगों ने ना खड़े कर दिए थे, अल्लाह का शुक्र है हमें सही परचेजिंग हुई। और माशाल्लाह ये देखें
तैयारी आप दोस्तों के सामने, पहले की वीडियो की निस्बत अभी जो काफ़ी ग्रोथ, बेहतरीन ग्रोथ आई है माशाल्लाह। ये सब दोस्तों को शौक दिखा रहा हूँ भाई, जो देखने वाले हमारे साथ दोस्त हैं, ये वीडियो सिर्फ उन दोस्तों के लिए बनाई है ताकि शौक देखें हमारा भाई। मज़ा आता है जब हम जानवरों के बीच में होते हैं भाई, यहाँ यकीन करो हर परेशानी हर टेंशन से दूर होते हैं। और माशाल्लाह फिर जानवरों में जो है काम करने में बहुत मज़ा आता है हमें, माशाल्लाह ये देख सकते हैं बेहतरीन है जानवर माशाल्लाह। अभी शाम का टाइम होने वाला है, अभी जो है आज मौसम थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आ रहा है, बादल छा गए, अल्लाह खैर करे। ये तभी ये जो पूछ हिला रहे हैं ना, ये हल्के हल्के मच्छर वच्छर हैं, तो शाम का टाइम होने वाला है ना इस वजह से। बहरहाल अभी जो है धुआं वगैरह करेंगे तो उससे ये सेट हो जाएंगे, मसला नहीं। अभी चारा खा रहे हैं, चारा खाने दो, उसके बाद इनका जो है करेंगे। अच्छा मज़े की बात बता दूँ कि आगे चल के इंशाल्लाह वेट भी होगा इनका, जो लाइव वेट करूँगा वो भी वेट करके मैं आप दोस्तों को बता दूँगा कि भाई क्या हो रहा है, कितनी ग्रोथ आ रही है, ये भी करूँगा। तो बस आज थोड़ा सा टाइम नहीं मिला तो इस वजह से मैंने कहा चलो ऐसे ही दोस्तों के साथ शेयर करूं, लेकिन ग्रोथ आप लोग वीडियो देख के बता सकते हैं कि यार वाकई आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि मुझे तो अंदाज़ा है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है इनका वेट भी करूंगा, वेट करके बता दूंगा कि कितने किलो जानवर है, फिर एक हफ़्ते के बाद फिर वेट करूँगा, क्योंकि हर हफ्ते इनका वेट होगा तो ग्रोथ का पता चलेगा जानवरों का कि क्या ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये, और यार एक बात और कहूँगा दोस्तों से शेयर करूँगा कि जो भी देखने वाले हमारे शौकीन दोस्त हैं, तो भाई कभी भी लेना तो ऑनलाइन ख़रीदारी कभी नहीं करना भाई, जल्दी आमी भाई, ऑनलाइन ख़रीदारी कभी नहीं करना, क्योंकि ऑनलाइन ख़रीदारी में ज़्यादातर जो है फ्रॉड हो रहा है लोगों के साथ, व्यापारियों के साथ, ख़रीदारों के साथ। तो मैं तो अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि भाई जहाँ भी जाएँ ख़रीदें, देख के ख़रीदें, ठीक है। बाकी भरोसा ट्रस्ट भाई ज़ाहरी बात है वो माहौल नहीं मिल रहा अब मंडी, हम लोग हर मंडी विज़िट करते हैं तो वहाँ जितने व्यापारी हैं सबके साथ सलाम दुआ, सबको जानते हैं, तो जिस जिस के साथ सीन होता है फिर वो बेचारा बताते हैं कि यार आज हमारे साथ ये सीन हुआ है, तो ये अब उनको भी मना कर दिया कि ऑनलाइन बिल्कुल ही नहीं, ट्रस्ट वाले के ऊपर करो भाई, कि जिसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है सही, नए बंदे को नहीं, जो जान पहचान वाला दोस्त है उसके साथ तो कर सकते हैं, दूसरे के साथ नहीं कर सकते भाई। माशाल्लाह दोस्तों कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा शौक, और बछड़े ग्रोथ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। हाँ कोई अगर टिप वगैरह आपके पास तो वो ज़रूर बताइएगा, ताकि हम जो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे बातें तो बहुत सारी नॉलेज मिलती है भाई। ये सारे दो दांत हैं भाई माशाल्लाह, बेहतरीन बछड़े, दो दांत अभी हुए, एक दो जो थे पक्के खीरे थे वो भी हो गए दो दांत, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं भाई। अभी तो तकरीबन दो महीने डेढ़ महीने के करीब है, तो अब कैसी ग्रोथ होगी इनकी ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें माशाल्लाह, गुलाई चेक करें भाई, बछड़ों की गुलाई चेक करें, इन दो के ऊपर नज़र रखना, तो इंशाल्लाह इन दो की ग्रोथ भी आप दोस्तों को चेक कराऊंगा। ये थोड़े से मुझे जो है ना नॉर्मल लग रहे हैं, बहरहाल इनकी ग्रोथिंग भी आगे चल के आप दोस्तों को चेक कराऊँगा। बाकी ये ब्लैक वाला है ये तो माशाल्लाह समझ लो कि गोल मटोल बन गया है माशाल्लाह, ये देखिए सही हो रहे हैं बछड़े माशाल्लाह। बहुत यार मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग बछड़ों में जब भी आते हैं, हर परेशानी ख़त्म हो जाती है यकीन करो। जब बाड़े पे आते हैं ना अपने जानवरों के बीच में खड़े होकर जब काम करते हैं, देखते हैं इनको, हाथ हाथ मारते हैं, तो हर परेशानी दूर हो जाती है हमसे, हर टेंशन ख़त्म हो जाती है अल्लाह के फजलो करम से। ये देखिए माशाल्लाह भाई, उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को जो वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक कर दें, कमेंट कर दें प्यारा सा, और इस वीडियो को जो तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक, तब तक के लिए हैदर लाशारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्ला।